नमस्कार आदाब एंड वेलकम, दिस इज सार्थक एंड योर वॉचिंग मंडे टू सैटरडे की समरी ऑन द संडे शो। देखो वही हुआ है जिसका हम सबको डर था। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं हुआ है, पागल आगल हो गए हो क्या? 24 तारीख को रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड कर दिया है एंड वी आर लिटरली विटनेसिंग अ वॉर इन 2022। और देखो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर हमारी जो ड्रॉइंग रूम टीवी है उसके न्यूज चैनल इसको मिनी मिलिशिया और पबजी के रूप में दिखा रहे हो। पता नहीं कैसे कैसे कॉन्टेंट बना रहे हैं यार। फ्लावर नहीं, फायर है पुतिन। हाँ, सेंट पीटर्सबर्ग के बाहर श्रीवल्ली पे इंस्टाग्राम रील बना रहा है वो। खैर, इंडियन मीडिया पर जोक्स अपार्ट, सिचुएशन सही में काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी है। हालांकि रशिया का कहना है कि सब कुछ शांतिपूर्वक ढंग से हो रहा है, पर ऐसा सच नहीं है। यूक्रेन में मार्शल लॉ लग चुका है, कई सारे सिविलियंस की जान जा चुकी है, कई सारे सोल्जर्स की जान जा चुकी है। दुनिया भर के कई सारे शहरों में प्रोटेस्ट हो रहा है इस वॉर के खिलाफ, और यहां तक कि कई सारे इंडियंस ऐसे हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और इंडियन गवर्नमेंट उनको निकालने की कोशिश कर रही है। हालांकि हालत इतनी खराब हो चुकी है कि यूक्रेन के जो कॉमन नागरिक हैं, जो वहां के सिविलियंस हैं, वो हथियार उठाकर अब किसी दूसरे देश की आर्मी से लड़ रहे हैं अपने देश को बचाने के लिए। सो आई डोंट नो इफ पुतिन इज फायर और फ्लावर, बट इफ यू आर वॉचिंग दिस शिट यू आर अ फूल। वो भी हिंदी वाले नहीं, इंग्लिश वाले। अरे पर सार्थक भाई, उससे हमें क्या लेना देना? बताता हूं, काफी ज्यादा लेना देना है, क्योंकि एक वॉर चल रहा है इसलिए जो इंटरनेशनल मार्केट में ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, यानी कि जो तेल के दाम हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। ग्लोबल ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, और आज ना कल इसका जो असर है वो आपकी चवन्नी अठन्नी पर भी पड़ेगा। यहाँ तक कि वर्ल्ड ओवर जितने भी स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें भी क्रैश देखा गया है। और तो और, जिन लोगों की जितनी भी सेविंग्स थी इन स्टॉक मार्केट्स में, वो एक ही दिन में खत्म। बाय बाय टाटा, गुड बाय गया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लोगों के पोर्टफोलियो पे इतना असर पड़ा है कि अंकुर वारिकू और तन्मय भट्ट के कमेंट सेक्शन में हाय हाय लिखा है लोगों ने। मेरा खुद का नुकसान हुआ है, शेयर्स में नहीं, मैं बस शर्त हार गया था। और हमारी जो जेन जी जनरेशन है, तुम जरा यहाँ आओ, मजाक चल रहा है यहाँ पे? क्या क्या कॉमेंट क्या कर पढ़ाता हूँ? बेस्टी डोंट स्टार्ट WW3, वर्ड्स वर सो लास्ट सीजन। हे बेबी लेट्स नॉट फाइट, आई कैन चेंज हिम। नो जैडी डोंट, दिस इजंट यू। पुती वुती प्लीज नो वॉर। पुती वुती, मैं रशियन प्रेसिडेंट से लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे उनके साथ स्नैप स्ट्रीक चलती हो इन लोगों की। सही खुल गए स्कूल तुम लोगों के। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, कर्नाटका में जो कंट्रोवर्सी हिजाब के साथ स्टार्ट हुई थी, अब उसने एक दुखद मोड़ ले लिया है। शिवमोगा में हर्षा नाम के एक बजरंग दल एक्टिविस्ट की हत्या हो गई है, और उसके बाद शिवमोगा में कई जगह वायलेंस भी बढ़ा है, जिसके बाद जिले में सेक्शन 144 लगा दिया गया है। नाउ अगेन, इस मामले में कोई भी न्यूज शेयर करने से पहले प्लीज एक बार उसको फैक्ट चेक जरूर कर लेना, क्योंकि पहले की तरह अभी भी कई सारी फेक न्यूज हैं जो इस मामले में सर्कुलेट कर रही हैं। और जब यूक्रेन के बाद मीडिया ने इस पर रोटी सेकना बंद कर दी है और उनका टेंशन यहां से हट गया है, तो होपफुली लॉ एंड ऑर्डर टेक्स कंप्लीट कंट्रोल और वापस सिचुएशन नॉर्मल हो सकती है। और अंकल क्या चल रहा है? अब देखिए, हो सकता है कि हिजाब कॉन्ट्रोवर्सी और यूक्रेन की जो आप कवरेज देख रहे हैं न्यूज चैनल्स पर, उसके बाद आपको लगे कि यार देश में तो कोई न्यूज ही नहीं बची है, अमृतकाल चल रहा है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअली न्यूज आती रहती है, बस न्यूज चैनल वाले दिखाते नहीं है। शुरुआत करते हैं एक न्यूज के साथ जो चेस की दुनिया से आती है। दरअसल 16 साल के चेस मास्टर प्रगन्नदा ने वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराकर सबका दिल जीत लिया है। इसके लिए प्रगन्नदा को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर आप 16 साल के हैं और आपको कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं तो कोई बात नहीं यार, दिल तो तुम भी जीत रहे हो। फर्क बस इतना है कि ये चेस में जीत रहा है, तुम ट्यूशन में अपनी क्रश का। अगली खबर है महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट कर लिया गया है। अच्छा, जिसको नहीं पता, नवाब मलिक वही मंत्री हैं जो समीर वांगखेड़े को स्टेडियम समझकर उनके साथ मैच खेलते रहते हैं। इन दोनों की स्टोरी में इतना एंटरटेनमेंट है कि मुंबई वाले अब टॉम एंड जेरी देखते ही नहीं है, वो लोकल न्यूज देख के काम चला लेते हैं। अच्छा, अभी तक हमारे देश में क्या होता था कि किसी भी अगर कपल को कोई बच्चा अडॉप्ट करना है तो उसे हिंदू मैरिज एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत एक मैरिज सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना पड़ता था। इस हफ्ते वो बदल गया है। अलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी कपल को अब कोई बच्चा अडॉप्ट करना है तो उसे अब मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो मम्मी, आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है क्या? तो ये छोटा वाला अपना ओरिजिनल कॉन्टेंट है, अडॉप्टेड नहीं है ये। अगली खबर है फाइनेंस सेक्टर से, जहां एक और स्टार्टअप हासूरा नाम का जो एक सॉफ्टवेयर स्टार्टअप है, ये फंडिंग रेस करने के बाद इस साल का यानी कि 2022 का 10वां यूनिकॉर्न बन चुका है।
अच्छा, जिसको नहीं पता है, यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जिसका मार्केट वैल्यूएशन जो होता है वो $1 बिलियन के ऊपर पहुंच जाता है। अच्छा, एक बात तो माननी पड़ेगी कि बीते कुछ सालों में जो स्टार्टअप कल्चर है उसमें काफी ज्यादा तेजी आई है। अब इसको आप गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रेडिट कर सकते हैं या फिर अश्नीर ग्रोवर के मीम्स को, बट सिचुएशन इंप्रूव तो हुई है। अगली खबर है राजस्थान सरकार से, जो कि कांग्रेस सरकार है। इन्होंने हाल ही में अपने विधायकों को यानी कि एमएलएस को आईफोन 13 गिफ्ट किया है एसआरओ को। बड़ी हाई प्रोफाइल सोशलिज्म हो रही है तुम लोग की। अच्छा, इस हफ्ते एक और ग्लोबल सर्वे के नतीजे आए जिसमें पता चला कि दुनिया भर में हर 4 में से 3 व्यक्ति यानी कि हर 3/4 व्यक्ति मानते हैं कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है यानी कि पन्नी पॉलिथिन, इन सब पे प्रतिबंध लगना चाहिए, मतलब कि इन सबको बैन कर देना चाहिए। विच इज गुड, क्योंकि इसे पता चलता है कि प्लास्टिक बैग्स की कन्वीनियंस के बावजूद लोग इसको समझ रहे हैं कि प्लैनेट के लिए कितना बड़ा खतरा है और अपने प्लैनेट को बचाने के लिए इसका त्याग करने के लिए राजी हैं। कम से कम थ्योरी में, प्रैक्टिकल में तो जो भी सामान खरीदते हैं पिन्नी में ही लेके आते हैं। जाते जाते आपको टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक इंटरेस्टिंग खबर के बारे में सुनाना चाहता हूं। एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्रूक इंडिया नाम से, जिन्होंने पता लगाया है कि पिछले कुछ सालों में देश के लगभग हर राज्य में गधों की पॉपुलेशन में भारी गिरावट दर्ज हुई है। गधा मतलब जानवर वाला, इंसानी गधे तो बड़े ही हैं। सर्वे ने यह भी पाया कि आजकल गधों की डिक्लाइनिंग यूटिलिटी की वजह से और चाइना को इलीगल एक्सपोर्ट्स की वजह से देश में गधों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज हुई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में देश में गधे बचेंगे ही नहीं, और ऐसा हुआ तो सोचने वाली बात है कि न्यूज चैनल की डिबेट में कौन बैठेगा फिर। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ गुरु कैसे बन गए हम, किस मामले में बन गए? सलाहकार हमारे जो भी प्रधानमंत्री बाहर के हैं, जैसे पुतिन को ले लिया जाए इस समय, अच्छा, राष्ट्रपति जो बाइडेन को ले लिया जाए, अगर अच्छा, सलाह देते हैं, सलाह के कोई कार्य करते नहीं है, ये चीज है, इसलिए हम लोग मानते हैं कि वो विश्व गुरु हैं। इन भाई साहब को देख के हमने मजाक उड़ाया था कि इनको यही नहीं पता कि भाई पुतिन और बाइडेन किसी की सुनते नहीं है, मोदी जी के कहने पे और सब डिसीजन नहीं लेते, लेकिन टर्न्स आउट ये ब्रेन वॉश्ड थे, क्योंकि इंडियन मीडिया इस हफ्ते यही कर रही है। यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है और आप हमारे मीडिया वालों को तो जानते ही हैं, उनके हिसाब से तो हर चीज मोदी जी ही सुलझाएंगे। यूक्रेन में वॉर है, रशिया इन्वॉल्व्ड है, अमेरिका इन्वॉल्व्ड है, मोदी जी की क्यों सुनेंगे वो? मतलब कभी कभी मोदी जी खुद बोलते होंगे, इतना नाम भी नहीं करना था। इंडियन मीडिया के मुताबिक मोदी जी एक फोन कॉल घुमाएंगे और वहां से बाइडेन पुतिन को बोलेगा कि यार एक काम करो, कॉम्प्रो कर ही लो, मोदी जी ने कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। अगला नंबर है अखिलेश यादव जी का, जो एक रैली के बीच में ये कह गए। हम कहेंगे बाबूजी जब घर जा रहे हो तो गुल्लू के लिए बिस्कुट भी लेते जाना। ये गुल्लू जानते हो कौन है? बाबा जी का एक प्रिय जानवर वो भी है। अरे काहे की मर्यादा बेइज्जती हो गई है तुम्हारी। अच्छा, यूपी इलेक्शन में अखिलेश यादव के रोल पर मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, जो अग्री करता है नीचे कमेंट करके बताना, जो डिसअग्री करता है वो उस कमेंट के रिप्लाई में कमेंट करना। आपके लिए डिस्कशन, मेरे लिए एंगेजमेंट, विन विन। अखिलेश बबुआ ने पिछले कुछ महीनों में मीडिया से रिलेटेड जितना भी हमको कॉन्टेंट दिया है, अब इसके बाद ये जीते या नहीं जीते देखो ये तो डेटा ही बताएगा, बट वन गुड थिंग इज दैट ही इज कॉलिंग आउट न्यूज एंकर्स। मतलब न्यूज चैनल्स का क्रिटिसिज्म जो है वो अब कमेंट्स से उठकर पब्लिक डोमेन और इलेक्शन रैली में भी आ रहा है, जो कि जरूरी है क्योंकि न्यूज चैनल्स ने पब्लिक का बनाया तो है। मतलब सोचो उन्होंने कितना बेवकूफ समझा है, नोट में चिप लगा दी, उसमें नैनो टेक्नोलॉजी जीपीएस का इस्तेमाल है, न्यूज डिबेट्स को WWE बना दिया है, और सवाल ऐसे पूछते हैं कि इंटरव्यू कम कैंडल लाइट डिनर ज्यादा लगता है। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड, आप थकते क्यों नहीं हैं? और फेक न्यूज तो भंडारे में पूरी की तरह बांटते हैं ये लोग, वीडियो गेम्स चला देते हैं मिसाइल के नाम पे। केस इन पॉइंट, इसी हफ्ते इन्होंने 2016 की एक वीडियो इसी वाले यूक्रेन के हमले की बता दी। मिलिट्री बेस को किस तरह से, एयरफोर्स बेस को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मतलब पुतिन भी देखकर बोल रहा होगा यार कि ये भी मेरी गलती है, गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसके। अच्छा, जिसको नहीं पता है ये वो सेगमेंट है जहां हम हफ्ते के सबसे बड़े जो हमारे बकलोल होते हैं उनको फीचर करते हैं, और खासकर जब से यूपी और पंजाब में इलेक्शन की शुरुआत हुई है तो ये वाला हमारा जो गैंग्स ऑफ बकवासेपुर है ये इतना बड़ा बढ़ गया है गैंग कि इस पर FBI तक की नजर है। एनीवे, पहले हमारे जो फीचर हैं वो है बीजेपी के एक MLA हैं, भूपेश चौबे जी। ये एक इलेक्शन रैली के दौरान इतने ज्यादा डेस्परेट हो गए कि ये स्टेज पर कुर्सी पर खड़े होकर उठक बैठक लगाने लगे।
मतलब उठक बैठक तो करे ही, पर कुर्सी पर खड़े होकर, मतलब एक्टिंग तो है ही, आप एफर्ट देख रहे हो बंदा कितना लगा रहा है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मतलब आप सोच के देखो, जिस देश में लोग डिमोनेटाइजेशन करने के बाद सॉरी नहीं बोलते, उस देश में इनको उठक बैठक लगाना पड़ रहा है, क्या ही खतरनाक ट्रैक रिकॉर्ड होगा इनका। एंड आई लाइक द फैक्ट कि दूसरा वाला ना उसको कैसे बिठा रहा है कि यार बैठ जाओ, क्या कर रहे हो, लोगों को पब्लिक को आदत मत डलाओ, अगले साल पंचायती के चुनाव है और मेरे को तो अर्थराइटिस है। वैसे मंत्री जी बिजली की कटौती बहुत हुई है, पानी भी नहीं आया था और रोड में खड्डे भी बहुत है, दो और लगाओ, माफ कर दो। अगली खबर है काफी इंटरेस्टिंग। यूपी के बलिया में बीजेपी लीडर जेपी नड्डा जी चुनाव प्रचार करने पहुंचे, लेकिन इससे पहले ये लैंड करते इनके हेलीकॉप्टर की हवा से स्कूल की दीवार गिर गई। हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा। लेट मी एडमिट, इससे ज्यादा सिंबॉलिक चीज मैंने आज तक नहीं देखी। मतलब पॉलिटिशियन आया नहीं है और एजुकेशन की इमारत गिर गई, एंड दैट्स अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, पॉलिटिक्स के रॉयल रंबल में एजुकेशन इज लाइक ग्रेट खली, मतलब आते ही साथ एलिमिनेट हो जाता है। अगली बकवास की है सऊदी अरेबिया ने। गल्फ न्यूज में छपी एक खबर के मुताबिक, अगर आपने रेड हार्ट इमोजी यानी कि अगर आपने ये भेजा तो इसको हैरेसमेंट माना जा सकता है और आपको $26,000 तक का फाइन देना पड़ सकता है। हेलो पुतिन, आप मुझे वर्ल्ड वॉर का लॉजिक समझ आ रहा है। वैसे देखो साउदीज, आपका आइडिया अच्छा है, बस आप थोड़ा एग्जीक्यूशन में गड़बड़ा गए। मतलब अगर आपको फाइन लगाना ही है तो आप इस वाले इमोजी पे लगाओ ना, ये क्यों भेजते हैं लोग, या फिर आप इस वाले इमोजी पे लगाओ, इस पे तो जेल ही भेज दो सीधा। और हूं बोल के कॉन्वर्सेशन खत्म करने वालों पे भी एक छोटी मोटी पेनल्टी तो होनी चाहिए। देखो लेकिन ये वाला इमोजी प्यार है, देखो इसके खिलाफ मत बोलो, अनलेस आपको एक डेमोक्रेसी में कल्ट फॉलोइंग चाहिए हो। इसी बात पे सब लोग नीचे हार्ट इमोजी कमेंट करो, तुम पे अगर किसी पर फाइन आया ना तो तुम्हारा भाई खड़ा है तुम्हारे लिए लड़ने के लिए। अगला नंबर है डुमरियागंज के एमएलए रघुवेंद्र प्रताप सिंह जी का, जिनका कहना है कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसने भी इनको वोट नहीं दिया तो उसके अंदर मियां का खून है। भाइयों और बहनों, गांव का जवान हिंदू अगर दूसरे तरफ जात बा तो की जान लो ओकरे अंदर मियां के खून दौड़त बा। सर मेरा बस एक सवाल है, ये अंडी बंडी शंडी का कौन सा लेवल है? देखो पहली बात, मैं तो आपके लिए वोट नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात, आपका स्टेटमेंट बिजार है, पोलराइजिंग है, शर्मनाक है। और तीसरी बात, अगर मेरे अंदर किसी का खून आपको डालना ही है तो यूनिकॉर्न का डालो ना भाई। आखिरी खबर सबसे इंटरेस्टिंग, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बीच में तालिबान ने आकर बोला है कि भाई बातचीत से मसला सुलझाओ, वायलेंस किसी चीज का जरिया नहीं है। मतलब तालिबान बोल रहा है कि शांति बनाए रखें, मतलब जो लोग खुद मास्क पहनना भूल जाते हैं लेकिन बंदूक पहनना नहीं भूलते उनको भी पीस चाहिए। यही तो है अमृतकाल। इट्स सो आयरोनिक, तालिबान सेइंग कि शांति बनाए रखो इज लाइक रघुराम सेइंग गाली मत बको। जस्ट से नो। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम नॉनसेंस न्यूज। नॉनसेंस, पहली नॉनसेंस न्यूज है यूक्रेन से। जैसा कि हम सबको पता है कि रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड कर दिया है, दोनों देशों के बीच में युद्ध चल रहा है और यूक्रेनियन सोल्जर्स इसको काफी बहादुरी से लड़ रहे हैं। रशिया के सोल्जर्स बहादुर कितने हैं ये तो नहीं पता, बट टर्न्स आउट दिलफेक जरूर है। यूक्रेन को इन्वेड करने के बाद वॉर के बीच में रशियन सोल्जर्स यूक्रेन की लड़कियों के साथ टिंडरबाजी कर रहे हैं। अरे की राह में चलना सही कहा था उसने, ऑल मेन। अच्छा ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे देश में आजकल एक नया ट्रेंड चला है जहां लोग बॉलीवुड से इंस्पायर होकर कांड करते हैं। ऐसे ही हुआ इंदौर में, जहां दो मुन्ना भाई MBBS हमारे पकड़े गए सर्जिकल ब्लूटूथ से चीटिंग करते हुए। आइडियाज खत्म हो गए कि चोरी करने के, जो तुम लोग बॉलीवुड से कॉपी कर रहे हो जो कि खुद किसी और से कॉपी करता है। मैं स्पेशल 26 से इंस्पायर होकर लोग CBI रेड कर रहे हैं फेक, पुष्पा से इंस्पायर होकर लोग स्मगल कर रहे हैं, धूम से इंस्पायर होकर लोग चेन स्नैचिंग कर रहे हैं। मुझे बस अब इतना बता दो कि JK वॉल पुट्टी लगाकर हीरा चोरी करने कौन जा रहा है? बॉलीवुड की स्क्रिप्ट चोरी हो रही है जो खुद किसी से स्क्रिप्ट चोरी करता है, ये अलग ही इंसेप्शन चल रहा है। राजस्थान के अलवर से एक ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसके बाद 5 रेलवे के कर्मचारी सस्पेंड हो चुके हैं और एक इंक्वायरी बिठाई गई है। वीडियो में पता क्या था,
ट्रेन के लोको पायलट ने ट्रेन रोक दी थी कचौड़ी लेने के लिए। अब देखो यार, इस मामले में मैं थोड़ा सा बटा हुआ हूं क्योंकि द टैक्स पेयर इनसाइड मी इज एंग्री बट द फूडी इनसाइड मी अंडरस्टैंड्स। अब देखो ड्राइवर का जो होगा सो होगा, दुकान वाले के लिए कितनी सही पिच है यार कि उसके यहां से कचौड़ी खाने के लिए लोग ट्रेन रोक देते हैं। चांदनी चौक का शाही टुकड़ा खाया के ना? दिल्ली आने वाला हर आदमी खावे है, विदेशी तक खावे है। लखनऊ का टुंडा कबाब खाए हो ना? तबे आती जाती हर गाड़ी रुके है खावे खाते। तो की भी कोनी, जोधपुर की कचौड़ी खाए हो? ट्रेन तक रुक जावे भाई गाड़ खाते। ट्रेन पेंट्री से ऑर्डर करे, पेंट्री भट्टे से ऑर्डर करे। टिट्टी भी ना कचौड़ी पहले खावे है, रिश्वत बाद में। चटनी पैक करावे खातर लोग ट्रेन की चेन खींच देवे हैं। आइए अब इस हफ्ते की कुछ पॉजिटिव न्यूज पर नजर डालते हैं। आप घंटी बजा के शुभारंभ कीजिए। कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, इनसे मिलिए। ये हैं बदाऊं के नरेश पाल जी। ये पिछले 10 सालों से दिल्ली के यमुना खाडर एरिया में बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। ये खुद भी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और डोनेशन से इन्होंने बच्चों के लिए स्टेशनरी और टॉयलेट्स का इंतजाम भी कर दिया है। And this guy deserves our Brody salute. अगला नंबर है कर्नाटका की पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर अंकिता नायर जी का। ये जब सुबह काम पे जा रही थी तो इन्होंने देखा कि एक युवक ने ऐसे ही साइड में कचरा फेंक दिया रोड पर और वो चला जा रहा है वहां से। तो इन्होंने अपनी बाइक से उसको कुछ किलोमीटर तक चेस किया और बाद में जाके उससे फाइन भरवाया कचरा फैलाने के लिए। एंड नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि NRI भाई इससे अग्री करेंगे, बाहर के देशों में हम इंडियंस पर गंदगी फैलाने और सोशल एनवायरनमेंट्स की रिस्पेक्ट ना करने का आरोप लगाया जाता है, और इसीलिए हमें ऐसी खबरें सुननी चाहिए और अंकिता नायक जैसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि क्लीनलीनेस स्टार्ट्स एट होम। हेलो। हाँ पापा। हाँ बेटा, बिस्तर पे क्या कपड़ों की दुकान खोलनी है आप? नहीं तो? हाँ तो अलमारी में रखा करो ना कपड़े, कमरे को सरोजनी नगर बना के रखा है। चलिए, अब वो समय आ चुका है जब आपके द्वारा बनाए गए मीम्स को रिव्यू किया जाएगा। तो ये मीम देख के आपको कैसा लगता है? मैं एंजॉय करता हूं, मैं उसमें मोदी को कम देखता हूं, क्रिएटिविटी को ज्यादा देखता हूं। श्रेय फ्रिकनार, नाम बड़ा अच्छा है, श्रेय फ्रिकनार। मोदी का फैसला मानेंगे पुतिन बाइडेन, पुतिन ज़ेलेंस्की, मोदी जी रुक जाओ मत करो, विश्व गुरु हैं हम। देखो, हम यूट्यूबर लोग तो बड़बड़ाते रहेंगे, मुझे लगता है कि कभी कभी पब्लिक को भी ना ऐसे मीडिया को कॉल आउट करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। मानस प्रतिम दास, पुतिन कहते हैं तुम में से सबसे पहले मरना कौन चाहता है? यूएसए, नाटो, यूक्रेन। पता नहीं ऐसे खतरनाक सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। ये मीम अच्छा है क्योंकि अगर किसी ने धमाल मूवी देखी है तो हुआ भी ऐसे ही था, जावेद जाफरी आगे नहीं आया था, बाकी तीनों पीछे चले गए थे। तो इस बार भी ऐसे ही हुआ है कि मतलब यूक्रेन तो वही खड़ा है, बाकी सब बैक ऑफ कर गए। इसराइल SK 412002, हेल्पलाइन नंबर क्यों लग रहा है भाई तुम्हारा यूजर नेम? एनीवे, यूनाइटेड नेशंस इन स्कूल टेक्स्ट बुक, यूनाइटेड नेशंस इन रियल लाइफ। इतना सच मत बोलो। सही बात है, अफगानिस्तान वाला सीन हो, पैलेस्टीन वाला सीन हो, यूक्रेन वाला सीन हो, यूनाइटेड नेशंस करता क्या है मुझे समझ में नहीं आता, मतलब क्या कर रहे हैं यार तू? तो ये थे इस हफ्ते के मीम्स जो आपने बनाए और #SundayWithSarthak के साथ अपलोड किए। अगर आपको और सारे मीम्स रिव्यूज देखने हैं तो इस हफ्ते से हम लोगों ने मीम रिव्यू की प्लेलिस्ट भी स्टार्ट कर दी है, आई बटन पर जाके आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। वशी मुलक ने लिखा है, आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम माई स्टडीज एंड लिटरली माई एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग दिस ब्रेक वॉज इमेंसिव, नाइस। टेक मोबाइल ने लिखा है, टुमारो इज माई एग्जाम एंड आई हार्डली नो एनीथिंग बट आई एम स्टिल वॉचिंग संडे शो। तुम कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो या गिल्टी फील करा रहे हो? सभी के एग्जाम चल रहे हैं और सभी शो देख रहे हैं तो पढ़ कौन रहा है? ट्विंकल शर्मा ने लिखा है, आई एंड बॉयफ्रेंड आर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एंड वी बिंज वॉच योर शो एवरी संडे टुगेदर। क्यूपिड नहीं, क्यूपिड है मैं। सुमित राज, टुमारो इज माय एग्जामिनेशन, आई एम वाचिंग योर वीडियो, हाईली एडिक्टेड। पढ़ लो यार जाके। अतुल मनन ने लिखा है, यू आर अ प्रीमियम न्यूज़पेपर, लोग हर दिन पढ़ते हैं, हम खाली संडे को। प्रीमियम अगर है तो फिर मेंबरशिप ले लो ना भाई। तो ये थी इस हफ्ते की सारी खबरें। अगर आपको पिछले हफ्ते की सारी खबरें जाननी हो तो ये वाली वीडियो देख सकते हैं, कुछ मिस हो गया हो तो कॉमेंट करके जरूर बताइए। अपना ध्यान रखिएगा, टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, लाइक सब्सक्राइब and share.